दूसरा कलर ले लेता हूं, भूरो कलर कौन सो है अम्मा, चलो वो ले लियो कालो सो, ठीक है। इधर मरुस्थली मिट्टी है आराम से पूरे क्षेत्र में, इसमें से ही कई जगह नमक ज्यादा है तो उसमें लवणीय मिट्टी हो गई, ठीक है। यहां पर जो बांगड़ क्षेत्र की मिट्टी है वो थोड़ी सी भूरी हो गई, भूरी बलुई मिट्टी। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं जो पिछली आरएस में आया था, भूरी मिट्टी कहां पाई जाती है बताइए, भूरी मिट्टी कहां पाई जाती है, आपका पता चल जाएगा आपने मिट्टियों को कितना गहन अध्ययन किया है। भूरी मिट्टी कहां पाई जाती है, भूरी रेतीली मिट्टी भी बोल सकते हैं, उत्तर बताइए मुझे, भूरी मिट्टी कहां पाई जाती है। एक दो लड़कों ने बहुत शानदार गजब का जवाब दिया है, भाई साहब धन्य है ये वो लड़के, वाह चूरू। अब समझ जाना इस चीज को, पूछ क्या रहा है वो आपसे, भूरी रेतीली पूछ रहा है या फिर सीधी भूरी पूछ रहा है, दोनों अलग अलग है, पीछे एग्जाम में आया और गलती कर दी थी। सीधी भूरी पूछ रहा है, देखो ये तो मरुस्थल है तो यहां रेत शब्द लगेगा, इसी मरुस्थल में से कुछ मिट्टी जो है सिंचाई वगैरह होने के बाद में धीरे धीरे भूरी में कन्वर्ट हो गई, तो उसके आगे तो भूरी रेतीली शब्द लगेगा, और वरना फिर सीधी भूरी है वो थोड़ी देर बाद में आएगी। मिट्टी का पहला प्रकार रेतीली बलुई मिट्टी पूरे मरुस्थल में है, जिले जो है वो कोई सेपरेट ये तो है नहीं, मिट्टी अभी कहीं है, ये लगभग यहां के जिले आप आराम से कर दोगे। लवणीय मिट्टी, इसी मिट्टी में थोड़े से भाग पे कौन सी मिट्टी है, लवणीय मिट्टी, जिसमें जालौर बाड़मेर वगैरह का क्षेत्र आ जाता है, ठीक है गुरु जी। भूरी बलुई मिट्टी बांगर क्षेत्र में मुख्य रूप से, भूरी बलुई बांगर क्षेत्र, इसके अलावा जोधपुर नागौर क्षेत्र में भी पाई जाती है, ठीक है गुरु जी हो जाएगी। अब ये क्या है, ये गुरुजी तो पर्वत है और की है, तो पर्वत पर तो पर्वतीय मिट्टी बहेगी, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। ये लो जी कौन सी मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, मुख्य रूप से कहां, दक्षिणी अरावली में। तो कौन कौन से जिले लिखने की जरूरत नहीं है दक्षिणी अरावली में, सिरोही है, उदयपुर है, पाली है, ये क्षेत्र आ जाएगा यहां पर, क्योंकि पर्वतों पर भारत में आपसे पूछ ले कि पर्वतीय मिट्टी कहां है, हिमालय क्षेत्र में वन मिट्टी कह सकते हो, पर्वतीय मिट्टी कह सकते हो, भारत की मैं एक ही लाइन में बता दूंगा पूरी, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हाँ पर्वतीय मिट्टी दक्षिणी अरावली में हो गई, पर्वत क्षेत्र है। अब आगे की मिट्टी, यानी मैंने मिट्टियों के आपको चार प्रकार बता दिए, मरुस्थली मिट्टी बता दी, इसी में तीन पार्ट और है, भूरी बलुई मिट्टी अलग, दूसरी मिट्टी का प्रकार, तीसरा लवणीय, पर्वतों में पर्वतीय मिट्टी, यानी कितने बता दिए, चार बता दिए। अब चलते हैं, काला मार्कर ले लेता हूं मैं, वो काड़ो ये रे, चलो ठीक है। देखो कैसे कोटा, कैसे कोटा, कैसे काली, कैसे कपास, बात समझोगे, कौन समझा, कितनों इजी तरीकों को बताया, फिर कौन समझा, कैसे कोटा, कैसे काली, कैसे कपास, काली या रेगूर, सर भारत में कहां पाई जाती है, दक्षिणी भारत में पाई जाती है, ज्वालामुखी से बनी हुई है, दक्षिणी भारत में। कोटा का मतलब कोटा ही नहीं, पूरा हड़ौती, आपके कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं मैं, क्योंकि पढ़ाते टाइम कमेंट सिर्फ जरूरी है वही पढ़ूंगा, एक बार मेरा समझाने का लय बना हुआ है, टाइम खराब नहीं करना है, जितने कम टाइम में आपको अच्छी चीज दे सकूं उतने में, पंखो चला लो, पंखो कौन चलाऊं, एसी भी है, बाबी कौन चलाऊं, क्यों कौन चलाऊं, कौन चलाऊं, मेरी मर्जी, थाने की तो शर्म आओगी कह यार पसीना मुँह पढ़ाने लाग रहे, आप पढ़ रहे कौन गिरे बैठा, तो थाने शर्मू मार दूँ मैं, ताकि थान पढ़ना पड़े, जद कौन चला, बाकी पंखा लाग रहे मैं खुद आता ही बंद कर दिया, अब पढ़ ले करो, थान क्या ही गर्मी लागे, हाँ अरे ये पसीने की कमाई है। चलो काली या फिर रेगूर मिट्टी, काली या रेगूर, कैसे कोटा, कैसे काली, कैसे कपास, यानी पूरे हाड़ौती क्षेत्र में कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी, काली मिट्टी किसके लिए उपयोगी होती है, कपास के लिए, आराम से याद रहिएगा, बहुत ईजी है, आराम से रहिएगा, ठीक है। अब यहां कुछ मिट्टियां और बची हैं, कभी पहाड़ आपने दूर से देखे हैं क्या, कभी पहाड़ आपने दूर से देखे हैं क्या, हां गुरु जी मेरा देख रहे, किशाग दिखे गुरु जी, लाल लाल दिखे, थोड़े से लाल लाल दिखाई देते अगर दूर से आप पहाड़ों को देखते हो,
तो फिर कौन सी मिट्टी होगी? लाल मिट्टी होगी। यानी अरावली के नीचे वाले क्षेत्र में यहां पर एक मिट्टी पाई जाएगी। कौन सी मिट्टी? मिश्रित हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? कि इन्हों तो थोड़ी सी काड़ती मिट्टी आ जाएगी कि अरावली वाली मिट्टी आ जाएगी, तो दोनों फिर मिश्रित हो जाएगी। पहाड़ लाल हुए तो फिर कौन सी मिट्टी होगी? मिश्रित लाल काली मिट्टी। मिश्रित लाल, आपको मार्कर से ही दिख तो रहा है ना, मिश्रित लाल काली मिट्टी। सर कौन कौन से जिले आएंगे? ये जिले आ जाएंगे, उदयपुर आ जाएगा, इसमें के अंदर डूंगरपुर आ जाएगा, बांसवाड़ा आ जाएगा, राजसमंद आ जाएगा, यहां वाले जिले फिक्स नहीं होता है, ये लगभग आपको क्षेत्र बता दिया, तो वहां जो जो जिले हैं वो जिले आ जाएंगे। मक्का कैसा होता है? मक्का देखा है कभी? मक्को तो देखे हो गयो, मक्को ही कौन देखो, मक्को लाल लाल कलर को है। कैसे काली कैसे कपास? काली मिट्टी किसके लिए उपयोगी है? कपास के लिए। मक्का मान लो लाल कलर का होता है तो फिर लाल मिट्टी में होता है मक्का। अब यहां पर एक थोड़ी सी मिट्टी और पाई जाती है बीच में, जिसका नाम है लाल लोमी। लाल लोमी मिट्टी यानी एक तरीके लाली मिट्टी आसरगट है। आप भी बैठे जट मिश्रित लाल काली मिट्टी है, मिश्रित लाल काली थोड़ी सी आगे हो जाए, लेकिन आप भी बाई जिला में मान लो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, तो फिर लाल मिट्टी में क्या होता है? कपास। और ये कौन सी मिट्टी है? इसमें लाल के साथ काली है, इसको मतलब कपास और मक्का दोनों ही उसके इंगमा, तो ये किसके लिए उपयोगी है? कपास प्लस मक्का। इस मिट्टी में किसकी प्रधानता, क्या प्रधानता, लोग सोल्डर वो लिखने में आ जाएगी, एक एक शब्द के वो लिखने में आ जाएंगे। मक्को काड़ो को नहीं है, मक्को यार लाल लाल सो दिखिए करे यार, काड़ो को नहीं है करे। हाँ ठीक है, आगे बताऊं। भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी है? जलोढ़। राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी? यार मरुस्थली मिट्टी है, पूरे मरुस्थल में आई है, तो मतलब भारत में तो 45% भाग पर तो जलोढ़ मिट्टी है। क्या सर राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी है? बिल्कुल है, होगी क्यों नहीं, जहां पर नदियां हैं वहां जलोढ़ मिट्टी होगी। तो फिर मैं नए पेज पे ले लेता हूं इसको, मैं इसको नए पेज पे लेता हूं। देखो दोबारा रिपीट मारूंगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो इधर वाली मिट्टियां मैं बता के आ गए, रिपीट बाद में मारूं। अब आगे जो मिट्टी आती है वो आती है जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ या फिर जिसे कछारी भी कह सकते हो, कांप ज्यादा वहीं अंदर, कांप मिट्टी भी बोल उसको। इन देखो कहां पर होगी? अरे जहां नदियां हैं वहीं होगी जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि नदियों वाले क्षेत्र में होगी। सर नदियों वाला जयपुर है, अलवर है, टोंक है, चंबल आरो क्षेत्र के रटने की जरूरत पड़ गई, वहां धौलपुर है, भरतपुर है। लेकिन जहां जलोढ़ मिट्टी है वहां अगर मिट्टी धीरे 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 वहां पानी की अगर कमी हो गई तो वो मिट्टी थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है, कैसी हो जाती है? भूरी मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी का ही एक प्रकार है भूरी मिट्टी, और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। या फिर आप ऐसे याद रखो, बनास पर भूरी मिट्टी है। कहां कहां है भूरी मिट्टी? देखो बनास क्षेत्र में ही भूरी मिट्टी है। एक तो कहां कहां हो गई? एक तो अलवर भरतपुर में है, ध्यान रहे अलवर भरतपुर। एक सिंचाई यानी ये मान लो जलोढ़ मिट्टी में जहां सिंचाई होती है वहां भूरी मिट्टी हो जाती है, गंगानगर हनुमानगढ़ है और प्लस बनास नदी है। ये प्रश्न याद रखना, एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब एक बच्ची है लाल पीली अखियां, बस लास्ट प्रकार बच्चा है लाल पीली। यहां थी लाल, यहां लाल काली, तो थोड़ी सी ऊपर लाल पीली कर दी, और की है पीली थोड़ी सी ऊपर है बस। यानी कौन सी मिट्टी? लाल पीली मिट्टी। स्वाई माधोपुर के आसपास के क्षेत्र में, करौली है, स्वाई माधोपुर है, भीलवाड़ा है, टोंक है, इसके आसपास की क्षेत्र। दोबारा बताता हूं, पूरी आठों की आठों मिट्टियां दोबारा बताता हूं, दोबारा समझो इस चीज को। जिंदगी में कभी दोबारा मिट्टी आपको ना पढ़नी पड़े, किसकी प्रधानता क्या वो लिखने में आ जाएगा। दोबारा बताऊं? ठीक, देखो हो गया, दो बनाता हूं मैं इसको, छोड़ो एक मैप तो यहां बना लेता हूं, एक मैप यहां बना लेता हूं।
ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बताया, मरुस्थली मिट्टी, जो मरुस्थल क्षेत्र में, ये दो मरुस्थली कह दो, सर इसको बलुई भी कह सकते हैं, सर्वाधिक भाग पर यही है। इसके कण मोटे होते हैं, इसलिए ये जल को ज्यादा लंबे समय तक सोख के नहीं रखती, जल सीधा नीचे चल जाता है। ठीक है, हो गया पहला। इसी में जहां नमक ज्यादा हो वहां लवणीय मिट्टी, ये लो जी। इसी में थोड़ा सा कलर चेंज होके भूरी बलुई हो जाती है, यानी भूरी बलुई मिट्टी, कोई समस्या नहीं। राजस्थान में सर्वाधिक ये मिट्टी है, भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, यहां पर पर्वत है, ये लो जी पर्वतीय मिट्टी। क्या समस्या है रे? क्या समस्या? कैसे कोटा, कैसे काली? काली मिट्टी, पर्वतों में लाल होती है, इधर काली होती है, लाल काली, ये लो लाल काली के यहां ही लाल लोमी है, लाल के बाद में फिर को पीड़ी हो गई, ये लो जी लाल पीड़ी है। यहां पर जलोढ़ है और जलोढ़ की थोड़ी सी कलर चेंज हुई भूरी। के कौन समझ में आया? निके कौन समझ में आया? आयो कौन तो के कौन आयो? अरे यार दिमाग में, इधर मरुस्थली मिट्टी है, उसी में लवणीय मिट्टी है, बांगर में भूरी बलुई मिट्टी है, पर्वतों में पर्वतीय मिट्टी है, पर्वतों के नीचे लाल मिट्टी होती है, लाल है, कोटा में काली है, लाल पीड़ी हो गई, लाल काली मिल गई, लाल लोमी मिल गई, फिर लाल पीड़ी मिल गई और भूरी और जलोढ़। क्या समझ में नहीं आया बताओ? अरे क्या नहीं आया आप बताओ? दोबारा बताऊं क्या? जरूरत है क्या दोबारा बताऊं क्या? कैन आई टेल यू दोबारा? है नहीं जुड़ते? लेकिन पिछले सालों में अधीनस्थ बोर्ड के जितने पेपर हुए और वहां देखो क्या प्रश्न आया, अब निकलेगी आवाज हो, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड ही है बच्चों। अधीनस्थ बोर्ड ने कैसे प्रश्न पूछे, मैं पांच नाम लिखता हूं आपको, एरिडोसोल्स नंबर दो, एंटीसोल्स नंबर तीन, एल्फीसोल्स नंबर चार, इंसेप्टीसोल्स नंबर पांच, वर्टीसोल्स। लो कर लो कर लो। वर्टिसोल्स मिट्टी कहां पाई जाती है? एल्फीसोल्स मिट्टी राजस्थान में कहां पाई जाती है? अधीनस्थ बोर्ड ने पिछली बार, अधीनस्थ बोर्ड ने अब फिक्स बना रखा है, यहां से प्रश्न पूछ रहा है, जलवायु में कोपेन से पूछ रहा है। अब कर लो, मिट्टिया रट के बैठा, इसको रट्टा लगा लेना इसका। मैं आप ज्यादा डिटेल मत घुसना, मैं बता रहा हूं शॉर्ट मारना इसका। एरिडोसोल्स आप शॉर्ट में रट लेना, शुष्क मिट्टी को बोलते हैं। एंटीसोल्स जो है पीड़ी भूरी मिट्टी को बोलते हैं, यह भी पश्चिमी राजस्थान में है। एल्फीसोल्स, एल्फी लिख दिया मैंने, एक ही बात है, एल्फीसोल्स बोलते जलोढ़ मिट्टी को। इंसेप्टीसोल्स बोलते हैं आर्द्र मिट्टी को, यानी मैं इनका हिंदी अर्थ बता रहा हूं आपको। और वर्टिसोल्स बोलते हैं काली मिट्टी को। आप इनके जिले रटने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना याद रखो कि वर्टिसोल्स का मतलब काली मिट्टी, वर्टिसोल्स का मतलब काली मिट्टी, फिर आपको रटने की जरूरत है, काली आड़ होती है, यानी वर्टिसोल्स मिट्टी। ये नवीन वर्गीकरण है और यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। रट्टा लगा लेना इनका। एरिडोसोल्स, एरिडोसोल्स शुष्क मिट्टी है जो पश्चिमी राजस्थान में है। एंटीसोल्स पीड़ी भूरी मिट्टी है, कौन सी? एंटीसोल्स, जो सर्वाधिक क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान में है। एल्फीसोल्स जलोढ़ मिट्टी है, बताने की जरूरत नहीं है जलोढ़ मिट्टी कहां कहां है। इंसेप्टीसोल्स बोलते हैं किसको? इंसेप्टीसोल्स आर्द्र मिट्टी, सिरोही पाली रासमंद उदयपुर उस क्षेत्र में। वर्टिसोल्स, इनको रट्टा लगा लेना। अधीनस्थ बोर्ड यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, रट लेना इन पांचों को। यह नवीनतम वर्गीकरण है और यहीं से सबसे ज्यादा पांच उपभाग है विश्व की मिट्टी को बांचा है, उसी हिसाब से ये नवीनतम वर्गीकरण है, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? हाँ, मिट्टी के अध्ययन को बोलते हैं पेडोलॉजी। भाई पांच सात बच्चा समस्या आ रही, आवाज आ रही, तो ईयरफोन यूज करो, थारे मोबाइल की कम हो उसका आवाज।
लिखनो भी तो है लेकिन वो समझो, दोबारा समझो, इनको रट्टा लगाना लेना, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे इनको रट लेना। अधीनस्थ बोर्ड यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है के हो है? भारत की मिट्टी का मैं शॉर्ट में तरीका बता रहा हूं, शॉर्ट में आपकी याद रह जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि मुझे पता है आज हर एग्जाम में इंडिया जीके भी करती है। शॉर्ट में जैसे मैं भारत का नक्शा बनाता हूं, भारत की मिट्टियों को भी 8 भागों में बांटा गया। पर्वतों में पाई जाने वाली मिट्टी पर्वतीय, ये लो जी आराम से याद रह जाएगा, यहां पर पर्वतीय या वन मिट्टी है। भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी है, ये रही जलोढ़, 45% भाग पे भारत में जलोढ़ मिट्टी है, जहां गंगा यमुना ये क्षेत्र है वहां पे। यही बीच बीच में कहीं कहीं पर्वतों में लाल मिट्टी भी भारत में पाई जाती है। दक्षिणी भारत में मैं पहले ही बता चुका हूं काली मिट्टी है, काली या रेगुर, इसमें क्या होता है पानी की कमी होती, दरार सी पड़ जाती है इस मिट्टी के अंदर, ठीक है। यहां थोड़ा सा दलदल ज्यादा होता है गंगा के लास्ट वाले क्षेत्र में, यहां पर जो मिट्टी है वो है दलदली। इसके बाद में अपने राजस्थान वाले इस क्षेत्र में, भारत में इसे दो भागों में बांटा गया, एक तो शुष्क मिट्टी बोलते हैं राजस्थान पंजाब हरियाणा क्षेत्र, और जहां पर नमक है वो भी लवणीय मिट्टी भी भारत में बांटिया, खारी मिट्टी, ठीक है। एक मिट्टी है लेटेराइट, लेटेराइट शब्द लेटर से बना है जिसका अर्थ होता है ईंट। 8 प्रकार हो गए, कितना इजी है भारत वाला। पर्वतीय मिट्टी सर्वाधिक जलोढ़, यही बीच बीच में कुछ क्षेत्रों में लाल, दक्षिण भारत में काली, और यहाँ तटीय, यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में लेटेराइट मिट्टी, और ये लो राजस्थान वाली शुष्क होते हैं। ये लो भारतवाड़ी में कहाँ समस्या है बताओ, मिट्टी कितने इजी तरीके से बता दिया। कल एक नया शानदार टॉपिक शुरू होगा जलवायु, जलवायु को मिस मत कर देना, बिना कमेंट ध्यान दिए अगर एक बार आपने मुझसे जलवायु पढ़ लिया, मैं गारंटी देता हूँ जिंदगी में कभी मत पढ़ना जलवायु, इतने इजी तरीके से मैं बता दूंगा। अब जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिखो, लिखो हेडिंग डालो राजस्थान की मिट्टियां, राजस्थान की मिट्टियां कितने प्रकार है, 8 प्रकारों में बांटा है, भारत की भी 8 प्रकार में है, 8 प्रकारों में बांटा, ठीक है। पहला है रेतीली, बलुई, लिखते जाओ साथ साथ मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे जल्दी जल्दी लिखते जाओ, हाँ, रेतीली बलुई मरुस्थली मिट्टी, मरुस्थली मिट्टी। आगे लिख दो सर्वाधिक भाग पर, और ब्रैकेट में लिखो भारत में सर्वाधिक है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। फिर लिख दो पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर। आपको ऐसे नहीं रटना बीकानेर बीकानेर, बीकानेर के पास नागौर में भी तो हो सकती है मिट्टी, ये तो कहीं जा सकती है। एवरेज रखना है, मैप में भरना, जैसे मैंने आपको समझाया उसी प्रकार आप भी एक बढ़िया सा मैप बना के सीधा बना के उसमें भर लेना, ठीक है, और उसी हिसाब का कलर दो तो और ही अच्छी बात है। देखो कण मोटे होते हैं, ठीक है, ये याद करो तो कर लेना, पर कोई जरूरी नहीं। नाइट्रोजन वे कार्बन की कमी व कैल्शियम की अधिकता होती, वैसे इस मिट्टी को भी आगे 3 भागों में बांटा गया है, कहो तो लिखवा दो वरना कोई जरूरी तो नहीं है इतना। अच्छा साइड नोट जाओ, स्क्रीनशॉट लेना, ले 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 लियो, चल मेरा नाम ले लियो, यादव ले लियो तेरा नाम, कमेंट बड़ा चल रहा है नाम नूम, ये तो टाइम खराब करना होता है। देखो कमेंट पढ़ पढ़ के टॉपिक को लंबा खींचने का मतलब आपको लगता है रो 1 घंटा पढ़ा है, चीज़ इतनी है,
उसको अब इस चीज़ को चाहे 2 घंटे खींच दो चाहे 20 मिनट में कंप्लीट। जितना सोशल मीडिया पे आपको मैटर कम समय में बताया जाएगा उसकी पॉजिटिविटी ज़्यादा बनती है। चलो कोई बात नहीं, इसका 3 प्रकार है, रहने देना, इतना नहीं पूछेंगे, कोई ज़रूरी नहीं, इसका आगे भी 3 प्रकार बांटा गया है। मिट्टी का दूसरा प्रकार लिखो, दूसरा कौन सा लोगे आप? बुरी रेतीली ले लें क्या? बुरी रेतीली ले, बुरी रेतीली मिट्टी, या फिर इसे बोलते हैं ग्रे पेंटेड, या बोलते हैं धूसर, या बोलते हैं सिरोजम मिट्टी, ठीक है। रंग बताने की जरूरत नहीं है, भूरा है, विस्तार शेखावाटी प्लस जोधपुर, जोधपुर नागौर जालौर, जालौर फिर लिख दो सीकर चूरू झुंझुनू आई गया बीकानेर, इसमें लिख दो नाइट्रोजन व कार्बन कमी व फास्फेट की अधिकता, फास्फेट की अधिकता, इस मिट्टी की गहराई में चुनने की गहराई में चुनने की परत पाई जाती, जिसे हार्ड पैन कहते हैं, कोई बात नहीं, लिख लो। गर्मी की बात ये मेरी कोई अवश्य नहीं है, क्लास में मैं पढ़ाता था तो अभी मेरे ऊपर फैन होता था, मैं उसे बंद कर देता था। हाँ कोई बात नहीं है, आनंद आता है जब पसीना आता है तब पढ़ाने में, तेज बोलिए, बोल लेंगे आप, लिखते जाओ, बस लिखते जाओ, साथ साथ बात करते जाएंगे। मिट्टियाँ 8 प्रकार की, लेकिन नवीनतम वर्गीकरण जो है उसमें 5 प्रकार बताए जो विश्व ने वर्गीकरण किया है। लाइट नहीं है सर जी, कोई नहीं, तन के मोबाइल में लाइट तो है, ले स्क्रीनशॉट ले, कोई बात नहीं। गुरुदेव बीलवाड़ा से हूँ, बहुत बढ़िया, विनोद नायक बहुत बढ़िया। चल कौन सा आया आगे? 3 नंबर हो गया ना, 3 नंबर लिखो फिर, लाल पीली मिट्टी लिखो, स्वाई माधोपुर करौली भीलवाड़ा टोंक अजमेर, निर्माण ग्रेनाइट सिस्ट नीच चट्टानों से। लो ऑक्साइड की अधिकता होती है, सर जी क्लास की टाइमिंग क्या है? यही रहेगी, 8 बजे से शुरू होती है, फिर वो टॉपिक पे डिपेंड है कि 9 बजे खत्म होती है, 8:30 खत्म होती है, 1 पूरी होती है। पुराने बैच में सल्तनत नहीं हुआ, बिल्कुल सल्तनत मैं नहीं, रमाकांत जी करवाते हैं, सल्तनत मैं कभी नहीं करवाता, ठीक है।
ज्योग्राफी पूरी क्लास कहाँ मिली, वो तो पेड वीडियो में मिलती है, अगर आपने कोर्स खरीद रखा है वहाँ आपको फ्री मिल जाए, भले आपने किसी का कोर्स खरीद रखा हो। सर जी मारी सुनो, सुना दे तेरी सुना दे मना। चलो 12 बजे वाली तो इस टाइम आने लग गई है, जिसमें और भी बच्चे फायदा ले लेते हैं, जिन्होंने कोर्स नहीं खरीद रखा वो भी फायदा ले ले। यार ज्योग्राफी एक टफ सब्जेक्ट है, बार बार नहीं पढ़ा जाता, इसलिए वो भी आनंद ले लो साथ साथ में। चल ऐसे मत किया करो कि सर हमने खरीद रखा है, कृष्ण पर सिर्फ राधा का हक नहीं था, गोपियों का भी था। चलो लिखो चौथा, चार नंबर। मिश्रित लाल काली मिट्टी, मालवा के पठार काली मिट्टी व दक्षिणी अरावली के लाल मिट्टी से बनी देखो कहाँ कहाँ है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर और चित्तौड़। ठीक है, मिश्रित लाल काली में कपास प्लस मक्का में उपयोगी ठीक है सर, वॉल्यूम बहुत कम है। अरे वॉल्यूम अब तो मैं लिखा रहे हूं, अब तो तू लिख। सर जी दिल्ली पुलिस में कंप्यूटर आएगा क्या? हाँ आपकी बार कंप्यूटर जोड़ने का जिक्र हुआ है, 10 नंबर का बिल्कुल कंप्यूटर जुड़ेगा। और वैसे भी राजस्थान पुलिस में आप पढ़ रहे हो, पटवार में आ ही रहे, तो कंप्यूटर की क्यों टेंशन ले रहे हो? नेक्स्ट कौन सा प्रकार हो गया? लाल लोमी मिट्टी हो गई क्या? 5 करवा दिया क्या मैंने? लाल काली करवा दी क्या? ये कौन सी करवाई है? कपास मक्का ये कराई, 5 नंबर रह गई। ठीक है, मध्यम काली या रेगूर मिट्टी, हाड़ौती क्षेत्र में। ठीक है, पोटास व कैल्शियम की अधिकता, देखो कपास उपयोगी। ठीक है, कितना नंबर हो गया? 6 नंबर हो गया ना। लाल लोमी मिट्टी कायांत्रित चट्टानों से हुआ, ठीक है, देखो दक्षिणी राजस्थान, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, लोह तत्व की अधिकता। काली मिट्टी है ना इसमें, रहने तो ये मत लिखो, लाल काली मिट्टी है तो इसमें होगी किसकी अधिकता? पोटास और कैल्शियम की होगी, पोटास प्लस कैल्शियम अधिकता, अधिकता।
पास में उपयोगी। कौन सी लिखा दी मैंने, कपास, कौन सी लिखा दी, छह नंबर लिखा रहा हूं ना मैं, लाल लोमी मिट्टी लिखा रहे हो, अरे उल्टो लिखा दियो, लाल लोमी मिट्टी चल रही है, ये कायंत्री चट्टानों से बनी है, ठीक है, लाल लोमी मिट्टी दक्षिण राजस्थान में, बिल्कुल ठीक है, हाँ दक्षिण राजस्थान में ये हो जाएगी, नाइट्रोजन प्लस कैल्शियम प्लस फास्फोरस की कमी, उपयोगी किसमें है, मक्का उपयोगी। आवाज बढ़ाओ, अब क्या मैं आवाज बढ़ानी है, जीके कोर्स में छूट दो यार, अब क्या छूट दिया अंदर जारी की अकेले यार, इंडिया राजस्थान दोनों देना ना करे कर तू यहां। चल नेक्स्ट लिखो, सात नंबर, जलोढ़ या कछारी, दोमट, कांप, ब्लैक कॉटन सोयल मिट्टी, कॉटन सोयल मिट्टी ये लिख दो, जयपुर, अलवर, अजमेर, टोंक, और कौन कौन से हो जाएंगे, जलोड़ में है ना, चंबल वाला क्षेत्र आ जाएगा इसमें, कोटा ले लो, स्वाई माधोपुर ले लो, मैं आपको बता दूंगा कि इसको आपको चित्र के रूप में कैसे बनाना है, ठीक है, अभी बता दूंगा मैं आपको, चलो बाद में भूल जाऊंगा कैसे बनाना है, देखो एक अलग से टैगलाइन दे देना, कैसे, आप इसको मैप के अंदर भरना, दो जगह बना लेना, चार चार मिट्टियां भर लेना, जैसे एक नंबर आपने लगाया क्या कि जलोढ़ मिट्टी भरनी है, तो जलोढ़ मिट्टी का आगे टैग बना दो कि जलोढ़ मिट्टी के लिए मैं ऐसे भरूंगा, ऐसे, तो जहां जहां जलोढ़ मिट्टी है वहां वहां ऐसे कर देना, फिर जैसे काली मिट्टी के लिए आप स्टार लगा देना कि जहां काली मिट्टी है वहां स्टार भरना है, ऐसे इस हिसाब से मैप के अंदर इनको सेट करना, ठीक है। कितने हो गए, सात हो गए ना, लास्ट कौन सी बची, अच्छा इसी में एक प्रकार है, ए लिख देना अलग से, भूरी मिट्टी, ये इसका प्रकार है जलोढ़ का, अलवर, भरतपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बनास बेसिन ये पूछा जा चुका है, इसलिए जरूरी है। नेक्स्ट क्या है, आठ नंबर है ना, पर्वतीय मिट्टी, अरावली क्षेत्र, ठीक है, अच्छा ये सात नंबर है, आठ नंबर है लवणीय, बाड़मेर प्लस जालोर, और कुछ जगह कोटा में भी है, भरतपुर में भी है, गंगानगर में भी है, कई बार सिंचाई से ऊपर नमक आ जाता है, तो ये लवणीय मिट्टी हो गई। वीडियो बीच में रुक रहा है गुरुदेव, रुक रहे हो सकता है, रुक गया होगा, कोई बात नहीं, क्या चल रहा है, चलो कांस्टेबल का एग्जाम कब होगा, अभी कुछ नहीं पता है बच्चे, लिख लिया क्या, हाँ ऐप में अपलोड होगी, बिल्कुल होगी, ऐप वालों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बाकी बच्चे इसका फ़ायदा उठाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पूरी ज्योग्राफी बढ़िया तरीके से हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, मिटा दूँ क्या, स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके। अब जो है नवीन वर्गीकरण, वो उतारो, वो भी इम्पोर्टेंट है, नवीन वर्गीकरण,
पांच उपभाग, ठीक है। एक नंबर लिखो, एरिडोसोल्स, ब्रैकेट में लिख देना इसके शुष्क मिट्टी कहाँ कहाँ है, चूरू, सिक्कर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली, जालौर, ठीक है। फिर दूसरा प्रकार है एंटी सोल्स, यानी पीली भूरी मिट्टी। ये हिंदी नाम लिख लेना, हर गाइड में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। सर्वाधिक क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान। लिख लिया क्या? लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट कितने नंबर है? तीन नंबर हो जाएगा एल्फी सोल्स हो गई जलोढ़ मिट्टी। तो ये हो जाएगी आपकी जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़, बांसवाड़ा, हड़ौती, और लिखो तो लिख दो हड़ौती भी लिख दो चाहिए। कितने हो गए? तीन हो गए ना। चार नंबर ले लो फिर, इनसेप्टी सोल्स हो जाएगी आर्द्र मिट्टी, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, जयपुर, दौसा, अलवर, ये लो जी। स्क्रीनशॉट लेने दो सर, ले मुना ले। सर जी वीडियो अपलोड करो। बोलो जी, कहावत है मारवाड़ रहे मनक बसे डुडाड़ में, डांटा बौड़ी बात ना करे कर रहे। जोर की कहावत ले रहे तू तो मैं तो कर जुड़ी। सर आप मेरे फेवरेट हो, तू मेरा फेवरेट है, लिख ले। हाँ अमेरिका कृषि विज्ञान, हाँ बिल्कुल अमेरिका कृषि वैज्ञानिकों ने बांटा है। यहाँ से प्रश्न दो तीन बार आ चुका है तब लिखवा रहा हूँ, वरना ऐसे नाम कौन याद करता है। हाँ चार नंबर, पांच नंबर लिखो लास्ट के कर दियो। पांच नंबर लिखो वर्टिसोल्स यानी काली मिट्टी। कहाँ हार्ड होती है? लिखो जल्दी से, सोल्ट में भारत वाला चित्र और बनवा देता हूं, तुम भी क्या याद करोगे यार। है इन ऊपर सर काली क्या गड़े आता रो। ओ अब अच्छा ये आगे, हाँ यार वो काम ठीक है रे, मन तो मेरा ही को नहीं यार। के फंक्शन है रे टावरों, अपन की विरोध आऊंगा। हाँ चलो जल्दी से सॉल्ट में भारत वाला बनाओ। देखो भारत वाला में आपको ऐसे चित्र बनाओ भारत का, आपसे जैसे भी बन रहा है यार वैसे बना लो। कौन सा आपको किसी को सुमठनी में रखना है, थारू जिसो बने बीसो बना लो।
वी आकृति बनाओ और ऊपर ही आकर के मरोड़ के बना लो जिसो बने और बिंग मां भर लो। यहां पर भर दो आप पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय या वन मिट्टी, एक नंबर, ठीक है। फिर यहां पर भर दो आप दो नाम भर दो यहां एक साथ, दूसरे प्रकार की मिट्टी है शुष्क, और यहीं पे हो जाएगी आपकी शुष्क के साथ लवण या खारी, लवण या खारी, ठीक है। यहां पर भर दो जलोढ़, भारत में सर्वाधिक कौन सी जलोढ़ मिट्टी है, 45% भाग पे यही मिट्टी है, कितने नंबर हो गई है, चार नंबर। फिर पांच नंबर यही बीच बीच में कई क्षेत्रों पे पाई जाती है लाल मिट्टी, लाल मिट्टी पांच नंबर हो गई। छह नंबर दक्षिणी भारत में काली या रेगुर मिट्टी, रेगुर मिट्टी, ठीक है, कितने नंबर हो गई, छह नंबर। लेटेराइट मिट्टी, कुछ यहां वाला क्षेत्र है कुछ उधर वाला आता है, लेटेराइट कितने नंबर हो गई, सात नंबर। और लास्ट है दलदली मिट्टी, यहां आठ नंबर दलदली। ये लो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये लो जी मैंने मिट्टियां कंप्लीट कर दी। कल हम जलवायु पढ़ेंगे, उसमें मिस मत करना, जलवायु एक ऐसा टॉपिक है ज्योग्राफी का जो समझने